गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल टैलेंटेड रितु इंसा। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी 2 मीटर फैब्रिक में सर्कुलर प्लाजो कैसे बनाते हैं, बहुत ही आसान से मेथड में। तो देखिए, आप जैसे जैसे देखोगे आपको भी बहुत ही आसान ये लगेगा। 3 मीटर में मैंने बताया हुआ है, 2 मीटर में मैं आपको बताऊंगी। बस इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि लेंथ आपने चेक करनी है कि फैब्रिक की लेंथ 2 मीटर है तो आपकी जो हाइट है आपने कितनी लेंथ रखनी है प्लाजो की। अगर 2 मीटर तक ही रखनी है, थोड़ी सी कम, यानी कि 37-38 तक 2 मीटर में बन जाएगा। अगर इससे एक्स्ट्रा है तो आपको 2.5 या 2.5 मीटर फैब्रिक लेना पड़ेगा, इस तरीके से अगर कट कर रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम इसमें माप ही समझ लेते हैं एक बार। ये देखिए, जैसे मैंने इसकी एक तो ली है लेंथ, हमें ओनली इस यही माप लेने की जरूरत है, इससे ज्यादा हमें कोई माप लेने की जरूरत नहीं है। लेंथ है 36 और इसकी जो बेल्ट है यानी कि कमर वो है 30 और जो हिप है वो है 34। मैंने ओनली ये 3 माप लिए हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम 2 मीटर फैब्रिक में से सर्कुलर प्लाजो कट करेंगे। बहुत ही जो जिसका घेर होगा बहुत ज्यादा खुला होगा और बहुत ही सुंदर भी वो दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग एक बार। तो ये देखिए, मैंने ये 2 मीटर फैब्रिक लिया है, इसको हम एक बार डबल फोल्ड करके ऐसे ओपन कर लेते हैं, यानी कि डबल फोल्ड रखेंगे इसको। सो देखिए, हमने डबल फोल्ड करके फैब्रिक को इस तरीके से बिछा लिया है, ये मैंने ऐसे ही डबल फोल्ड किया हुआ है। तो इसमें हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 3 मीटर में हम कोई भी सर्कुलर प्लाजो कट करते हैं तो इस तरीके से ट्रायंगल शेप में बिछाते हैं, बट इसको हमने ऐसे नहीं बिछाना, इसको हमने ऐसे के ऐसे सीधा रखना है। और ऐसे जैसे कि मैंने ये यहाँ से सीधा रखा, इसको मैं थोड़ा सा आपकी तरफ करके दिखाती हूँ। ऐसे हमने इसको सीधा रखना है, उसके बाद हमने यहाँ से निशान लगाना है कि हमने ऊपर से कितनी ब्रॉड लेनी है और कैसे हम इसकी ब्रॉड निकालते हैं। तो वो चलिए हम ले लेते हैं एक बार। वो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारी जो हिप है वो है 34, तो 34 का हम 1/4 हिस्सा करेंगे, वो हो गया 8.5 इंच। 8.5 इंच इसका 1/4 हिस्सा हो गया, इसमें हम ऐड करेंगे 2 इंच, तो ये हमारा हो गया 10.5। तो हम यहाँ पर जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 10.5 पर। ये जो हमारी कन्नी है इसको हमने एक बार साइड में ऐसे निशान लगा दिया है, उसके बाद 10.5 पर हम निशान लगा लेते हैं। ये मैंने चौड़ाई ली है, ऊपर से हम कितनी चौड़ाई रखेंगे। अगर आपको थोड़ा सा और लूज चाहिए तो आप 2 की बजाय 2.5 रख सकते हो, बस इतना ही फर्क करना है और इसमें कुछ नहीं करना। हिप का 1/4 हिस्सा करके उसमें ऐड है, यानी कि आप 2 इंच करोगे तो भी एकदम परफेक्ट आएगा। हम जो ट्रायंगल शेप में कट करते हैं उसमें हम हिप का 1/4 हिस्सा करके 1 इंच प्लस करते हैं, क्योंकि वो यूरेब में होता है, ये सीधा है, तो इसमें हमने 2 इंच प्लस किया है। तो यहां से मान लीजिए हमने 2 इंच प्लस करने के बाद हमारा हो गया 10.5। अब हमने दूसरी तरफ भी निशान लगा देना है 10.5 पर ही। ये देखिए, 10.5 पर मैंने ये निशान लगा दिया। अब हमने इस निशान के साथ जो दूसरा हमारा निशान है इसको मिला देना है, यानी कि इस निशान के साथ यहां से ऐसे रख के हम इसको ऐसे मिला देंगे। ये सभी साइज के लिए है, आपका कोई भी साइज हो, आपने हिप का 1/4 हिस्सा करना है और उसमें 2 या 2.5 इंच प्लस कर देना है, ऐड कर देना है, और फिर निशान लगा के दोनों तरफ उसको हम कट कर लेना है, यानी कि अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है। बाकी आपने लेंथ जरूर चेक करनी है कि आपकी लेंथ कितनी है, अगर 2 मीटर से भी ज्यादा लेंथ है तो फिर आपको देखना पड़ेगा एक बार। तो देखिए, मैंने एक दूसरे को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख दिया, इनके चारों हिस्से हमारे ऐसे रखे जाएंगे।
सो देखिए हमने चारों जो हमारे हिस्से हैं उनको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रख लिया है। अब हमने इसकी कैसे कटिंग करनी है वो देखिए। एक तो मैं आपको बता दूं, जो मेरा जो फैब्रिक है वो 2 मीटर से भी कम था और मैंने इसमें ही बनाना था, तो इसलिए ये देखिए मेरा 37.5 इंच ही आया है, 37 ही समझिए इसको, 39 हमारा 2 मीटर, 1 मीटर की जो लेंथ होती है वो 39 होती है, तो मेरा ये 2 मीटर से भी कम है। बट इसमें भी हम अपनी लेंथ है जो वो निकाल लेंगे, तो आपने लेंथ फैब्रिक की जरूर चेक करनी है और आपने कितनी लेंथ का सर्कुलर प्लाजो पहनना है वो भी जरूर चेक करना है। तो देखिए आपने अब यहाँ से क्या करना है, इलास्टिक के जो हम फोल्ड करेंगे उसके लिए 2 इंच हमने ऊपर की तरफ रख दिया है। अगर आपका इलास्टिक ज्यादा ही चौड़ा है तो आप 2.5 इंच भी इसमें रख सकते हो। तो मैंने 2 इंच पर ऊपर निशान लगाया है यहां से। अब हमने नीचे इसको यहां से लेकर के नीचे तक मापना है कि हमारा ये कितना हुआ है। तो यहां से हमारा ये 35.5 इंच हो रहा है, तो मेरा इसमें काम चल जाएगा क्योंकि मैंने इसमें नीचे पिको करनी है। अगर मान लीजिए आपको पिको नहीं करनी होती इसमें, तो नीचे से फोल्ड करना है, तो आप उसमें लेओगे 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा, यानी कितना आपने फोल्ड करना है उस हिसाब से आपको नीचे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा लेंथ से। मान लीजिए हमारी जो लेंथ है यहाँ तक कंप्लीट होती है, उसमें आपने 1.5 या 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अगर पिको कर रहे हो तो आप जितनी लेंथ है उतना भी ले सकते हो, उसमें पूरे पूरे लोगे तो आपका काम चल जाएगा। दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसमें से प्रॉपर अच्छे से लेंथ निकालनी है, जरा सा आपकी कमी रह गई है फैब्रिक लेंथ में, तो आपने ऊपर की तरफ बेल्ट अलग से ज्वाइंट कर देनी है। इनके जो इसमें ये बेल्ट हमने साथ के साथ ऐड की है, इसकी बजाय आपने ऊपर बेल्ट का माइनस करके, जैसे मैं कई बार पैंट में भी बताती हूँ, नीचे ऐसे लेना है लेंथ, यानी कि 36 अगर हम ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल अच्छे से बनेगी और एक्स्ट्रा भी हमारा 2.5 इंच बच गया है जिसमें हमने बेल्ट अलग से इसमें जोड़नी पड़ेगी। बट इसमें हम साथ के साथ बेल्ट ले रहे हैं और नीचे हमने लेंथ ले दी है। अब हमने जैसे कि कितना ये हमारा टोटल हो गया है इसको माप लेना है लेंथ तक। समझो मैंने बताया था लेंथ हमने यहां से लेनी है, उसके बाद हमने ऊपर से पूरे को माप लेना है लेंथ तक जो हमने निशान लगाया है। तो वो ये हमारा आ गया 38, तो 38 पर हमने सब जगह निशान लगा लेना है। आपका जो ये हिस्सा है ये लटकता है, यानी कि अगर ट्रायंगल शेप में बिछाते हैं उसको भी अगर हम देखें, तो आपने क्या करना होता है, हल्का सा इसको ऐसे स्ट्रेच करना होता है, खींचना होता है, जिससे आपका ये एक साइड से लटकेगा नहीं। तो हम यहाँ से निशान कंप्लीट इसके कर लेते हैं। अब हम इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे राउंड की। देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी है, अब हम निकालेंगे इसका आसन। तो आसन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आसन हमने जो हमारा ये हिस्सा है, कन्नी है जिधर, यानी कि सीधा हिस्सा है हमारा, वहां से हमने आसन निकालना है। तो आसन जो हम निकालेंगे, जहां से हमने लेंथ लेना स्टार्ट किया था वहीं से हम आसन लेंगे। आसन का इसमें तरीका वही रहेगा सेम, यानी कि हिप का 4th हिस्सा और उसमें 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा, या फिर आप ऐसे भी निशान लगा सकते हो। जितना हमने यहाँ पर लिया था, यानी कि ये निशान हमने यहाँ पर 10.5 लिया था, हिप का 4th हिस्सा करके 2 इंच उसमें एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पर भी हम 10.5 पर ही निशान लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने 10.5 इंच पर निशान लगा दिया है। ये कन्नी है हमारी, इसको हम अलग कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो फैब्रिक होता है वो अनइक्वल होता है,
जिससे हमें प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए हम यहाँ से इसको अलग कर देंगे। उसके बाद हमने 10:30 पर ये निशान लगाया, हिप का 4th हिस्सा किया, उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड किए। अगर आपका हैवी साइज है तो आप 2 इंच की बजाय 2.5 इंच ऐड कर सकते हो, या 3 भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आप आसन किस तरीके से रखना चाहते हो। बाकी नॉर्मल साइज के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड करोगे, काम चल जाएगा। अब हम यहाँ से लेंगे अंदर की तरफ 2 इंच, फिर से वही बात। अगर आपका हैवी साइज है तो आप 2 की जगह पे 2.5 ले लीजिए, और हैवी है तो आप थोड़ा और एक्स्ट्रा ले लीजिए। अब हमने इसको यहाँ पर इस तरीके से तिरछा करके मिला देना है। यहाँ से हल्की सी राउंड शेप देंगे और इसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे। तो देखिए हमारा जो सर्कुलर प्लाजो है वो कट हो चुका है। यहाँ से हमने जो कन्नी के ऊपर निशान लगाया था उसको भी कट कर दिया है, और यहाँ से फिनिशिंग हमने दे दी है, जो अनइक्वल सा फैब्रिक आपको दिख रहा था। अब हमने 2 कट यहाँ पर लगाने, एक इधर और एक इधर। ये हमारा इलास्टिक फोल्ड करने वाला हिस्सा है, यानी कि यहाँ से हम इलास्टिक इसमें डालेंगे। सबसे पहले अब हमने क्या करना है, इसके आसन स्टिच कर लेने हैं। ये देखिए जो हमारे ये आसन हैं दोनों, इनको हम स्टिच कर लेंगे आपस में, उसके बाद फिर साइड से स्टिच कर देंगे, फिर गिदरी वाला हिस्सा हमारा आ जाएगा और ऊपर इलास्टिक डल जाएगा। तो देखिए हमने ये दोनों आसन स्टिच कर लिए हैं। अब हमने ये जो साइड वाला हिस्सा है हमारा, इसको भी सील देना है, यानी कि ये देखिए इसको ऐसे ओपन किया। उसके बाद हमने दूसरे हिस्से को इसके ऊपर ऐसे रखना है, और जो साइड से सिलाई है यहाँ से हमने पूरे लंबाई तक लगा देनी है। दूसरी तरफ भी हमने ऐसे ही सिलाई लगा देनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो दोनों तरफ हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है इस पर, और ये जो बीच में हमारा गिदरी वाला हिस्सा था इसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब हमने इसमें इलास्टिक और डालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो 2-2 इंच पर हमने निशान लगाया था उसका नेफा हमने फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। वो नेफा हम इतना ही फोल्ड करेंगे, यानी कि अंदर की तरफ फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे, जितना हमारा चौड़ा इलास्टिक हमारे पास है, जितना चौड़ा इलास्टिक है उसी हिसाब से हमने नेफा फोल्ड करना है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि हमने इलास्टिक कितना लेना है, तो इलास्टिक हम कैसे लेते हैं, किसी भी साइज के लिए, जितनी हमारी बेल्ट है यानी कि कमर है जहाँ पर हम बांधेंगे, उसमें से आपने 4 इंच माइनस कर देना है, उतना ही आपने पूरे राउंड में डालने के लिए इलास्टिक लेना है। तो ये मैंने, जैसे मेरी कमर थी 30 की, तो 30 में से मैंने 4 इंच माइनस किया, 26 का मैंने इलास्टिक लिया है। पूरा जो इलास्टिक है मैंने 26 का लिया है यहाँ से, ये देखिए। तो ऐसे ही आपने भी करना है, अगर जरा सा टाइट पहनते हो तो 5 इंच माइनस कर दीजिए, वरना 4 इंच माइनस करोगे एकदम परफेक्ट आएगा। तो देखिए हमने 2 इंच का होल ओपन रखा है ताकि हम इसमें इलास्टिक डाल सकें। एक और बात मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें जो फैब्रिक है ये हमने नेफा जो फोल्ड किया है, इसको फोल्ड करते हुए जरा सी दिक्कत आपको भी आएगी, क्योंकि इसमें हमने मान लीजिए इस तरीके से जब बिछा के कटिंग की थी तो यहाँ से यूरेब था और यहाँ से इस तरफ था, हम जब इसको फोल्ड करते हैं तो इस तरह से हो रहा था, जिसकी वजह से फोल्ड करते टाइम थोड़ी सी चुन्नटें आएंगी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी भी आई है हल्की हल्की चुन्नटें, तो आपकी भी आएंगी उसमें। तो ये जो इलास्टिक डलेगा तब उसके बाद उसमें सेट हो जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ से हमने जो 2 इंच, हाँ दूसरा, इसमें ये हिस्सा आपने बिल्कुल लूज रखना है जब आप इसका नेफा तैयार करोगे, ये वाला हिस्सा, और जो फोल्ड कर रहे हो उसको आपने खींच कर करना है। अब हम इसमें पूरे में इलास्टिक डाल लेते हैं। तो देखिए हमने इलास्टिक भी इसमें डाल लिया है। जब आप इलास्टिक डालो इसमें डालने के बाद, तो उसको एक बार इधर से
और एक बार इधर से ऐसे डाल के आपने इक्वल करना होता है, उसके बाद आपने सिलाई लगानी होती है। मैंने अब की बार इसमें सिंगल सिलाई लगाई है, बाकी हम इसमें डबल सिलाई भी लगा लेते हैं। अब जो हमारा काम बकाया रह गया वो रह गया पिको का, तो हम इसमें एक बार पिको कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। सो देखिए गाइज, मैंने प्लाजो वियर किया है, बहुत ही सुंदर इसका लुक आया है और ओनली 2 मीटर से भी कम इसका फैब्रिक था, आपने भी देखा था। सो देखिए इसका घेर भी बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही सही ये बनकर रेडी हुआ है, तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सुंदर ये बनता है। गाइज, अगर आपने डेली ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ नया सीखना है और आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।